फैट फोल्ड के लिए मैं किसलय। आज मेरे साथ में नए मेहमान हैं, झारखंड के जाने माने युवा तुर्क ग्लैडसन डुंगडुंग। आपने कई बार पढ़ा होगा ग्लैडसन को, और बहुत यंग लेकिन विचारों से बहुत व्यापक सोच वाले, बहुत सारे आयाम समेटे हुए, लेकिन सब कुछ केंद्रित होता है झारखंड पर। झारखंड के संसाधनों के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के जन संसाधन, यहाँ के मानव संसाधन। ग्लैडसन की अपनी जीवनी भी बड़ी अजीब रही है, उसके बारे में भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। उनका भी एक अलग मुश्किलों से उनका सबका पड़ा है। तो हम शुरुआत करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन उसी दौरान हम बहुत सारी बातचीत हम ग्लैडसन से करेंगे। ग्लैडसन, आपका बहुत स्वागत है। जोहर, अच्छा लगा कि आप बहुत लंबे समय तक हम लोग तो साथ रहे हैं, काम किए हैं, लेकिन इस तरह से बातचीत का मौका हम लोगों को बहुत कम मिला है। एनीवेज, तो हम आज बात करने जा रहे हैं ग्लैडसन खासकर। देखिए, चुनाव आ रहा है फिर से, विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर, और आपकी आपकी व्यस्तता भी बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि आप आपकी आम दिनचर्या काफ़ी व्यस्त होती है, लेकिन आपकी राजनीतिक व्यस्तता फिर से बढ़ने जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि इस सरकार, 5 साल की सरकार में, रघुवर सरकार में, आपने क्या महसूस किया, क्या आकलन है आपका? आकलन कई मामलों में बड़ा वो औपचारिक शब्द लगता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ग्लैडसन डुंगडुंग ने क्या महसूस किया। देखिए, उसमें कई अलग अलग पहलू हैं। पूरे राज्य में जिस तरह से पिछले 5 साल में विकास का ढिंढोरा पीटा गया है, अभी भी पीटा जा रहा है, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो दिखता कुछ और है। लेकिन आपने कहा कि क्या महसूस किए, तो इसमें सबसे बड़ा जो पूरे देश में ही, ना सिर्फ राज्य में, जो असहिष्णुता का बात है, ये हम सुनते थे बड़े बड़े लोगों को बातचीत करते, जो भी सरकार के समर्थक हैं या विरोधी हैं, उन दोनों में क्लैश होता था। लेकिन इस बार मैंने उसको झारखंड में महसूस किया। खासकर आपने देखा होगा जो पिछले दिनों जिस तरह से बीफ को लेके आदिवासियों को मारा गया, इधर खूंटी के पास गौमांस को लेकर। तो मैं कल भी मैं लोगों को पूछा कि क्या अभी जो गौमांस को लेकर हत्या करने की जो प्रवृत्ति आ गई गांव के लोगों में, एक दूसरे में, तो क्या ऐसा पहले नहीं होता था? क्या गौमांस खाना अभी लोग शुरू किए थे, बीफ खाना अभी शुरू किए थे? लोग बताते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं, हमारे पूर्वज जो हैं वो भी खाते थे जिनको खाना है। जैसे हम खड़िया समुदाय से आते हैं, खड़िया समुदाय में बिल्कुल भी गौमांस मना ही है, बीफ मना ही है, वो इसलिए कि हमारा जो इतिहास है वो ऐसा इतिहास है कि हम लोग जब, हमारे पूर्वज जब नदी पार कर रहे थे तो गाय बैल का पूंछ को पकड़ के उन्होंने पार किया। अच्छा, इसलिए हमारे समाज में ये अवधारणा है कि चूंकि वो हमें, हमारा पूरा समाज को बचाया है, तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो इसलिए हमारे यहाँ मना ही है। लेकिन हमारे बगल में मुंडा भाई बहन लोग, वो लोग खाते हैं, लेकिन हमें उसे कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो है कि धार्मिक सेंटीमेंट बोलिए या सामाजिक से, जो भी सेंटीमेंट जिसको लोग बोलते हैं ना, हमारे सेंटीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, जंगल जाते हैं, ये सब कुछ प्रक्रिया होता है। अब ये तो आदिवासियों के बीच में, अब हमारे कई गांव जो है उसमें गैर आदिवासी भी रहते हैं, उनको भी पता है कि पहले से लोग खा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज अचानक से क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं? तो लोग, गांव के लोग बता रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है कि बाहर के लोग आते हैं और आज हमारे दिमाग में ब्रेन वॉश जो है वो कर रहे हैं। तो पूरे परिदृश्य में ये समझ में आता है कि आज ये सरकार जो है हमारा धर्म को तय कर रही है, धर्म तय कर रही है, ये सरकार हमारा खाना पीना तय कर रही है,
ये सरकार हमारा संस्कृति तय करना चाहती है, तो हम कहते कि ये कैसे हो सकता है कि ये सरकार को संविधान ने कहां अधिकार दे के रखा है। संविधान का अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार को हनन करने वाला कोई भी कानून स्टेट नहीं बनाएगा। स्टेट मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर सरकार गलत कर रही है तो न्यायपालिका को खड़ा होना है संविधान को बचाने के लिए, लेकिन न्यायपालिका भी चुप है। भाई अगर मान लीजिए ठीक है आपका धार्मिक सेंटीमेंट है, लेकिन आपको कोई खाने नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि बीफ खाना मेरा मौलिक अधिकार है, क्या सरकार उसको रोक सकती है? कौन सा अधिकार के तहत आप रोक सकते हैं? आप ऐसे कोई कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी को धार्मिक आजादी उसको रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, नियमगिरी का जो केस था माइनिंग कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, ये जो केस था उस केस में स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कि ये जो नियमगिरी पहाड़ है आदिवासी कह रहे हैं कि इसमें हमारा भगवान रहता है, तो जिस तरह से दूसरे लोगों को संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म मानना मौलिक अधिकार है, उसी तरह आदिवासी का भी वही अधिकार है। अगर आदिवासी बोलता है इस पेड़ में मेरा भगवान रहता है तो कोई उसको काट नहीं सकता है। लेकिन देख लीजिए क्या हो रहा है, आदिवासियों का कितना सरना सालों को बर्बाद कर दिया गया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब आदिवासी आप जो है कि ईसाई हो गए तो आप आदिवासी नहीं है, आप फलाना हो गए तो आदिवासी नहीं है, आप जो है कि हिंदू है तभी आदिवासी है। आप कौन होते हैं भाई हमारा मौलिक अधिकार तय करने वाले? आपने सहिष्णु असहिष्णुता की बात उठाई, पिछले दिनों वो गुमला वाली घटना भी उसका एक पार्ट है, और ये लगातार हो रहा है। बल्कि हमको लगता है कि हाल के दिनों में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं उसमें केवल आदिवासी या ईसाई ही नहीं, मुस्लिम, बिल्कुल मुस्लिम जो एक बड़ी 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 आबादी है इस देश की और इस राज्य में भी, वो भी प्रभावित है। ये तो हुई बात सरकार की मनमौजी। उसके इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा पिछले 5 साल का सरकार का, तो ऐसे नहीं कि वन साइडेड बात हो, मैं डेवलपमेंट का भी बात करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमने इतना सारा टॉयलेट बना दिया, है ना, शौचालय बना दिया, कभी ऐसा नहीं था। गांव में जाइए, गांव में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे शौचालय जो है बंद है, उपयोग लायक नहीं है। गांव का एंट्रेंस में एक बोर्ड लगा हुआ है, फलाना गांव खुले शौच में से मुक्त। क्या मतलब है ये गांव? मतलब काकी का आपने नाम सुना है, काकी गांव में गया जहां पत्थलगाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन जहां से शुरू हुआ था और पुलिस को हाईजेक किया, ये वो काकी गांव ये खूटी वाले काकी गांव में गया, तो लोगों को पूछा मैंने कि सरकार तो आपका जो ब्लॉक है उसको घोषित कर दिया है कि ODF मतलब खुला शौच से मुक्त गांव, लेकिन आपके गांव में तो एक भी जगह की शौचालय नहीं है। गांव के युवाओं ने मुझे बहुत जबरदस्त जवाब दिया, बोला कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं शौचालय का कि हमको सरकार गरीब बना के रखना चाहती है। हमारा शौचालय एक आइडेंटिफाइड है कि 12,000 का छोटा सा, जिसमें जो है कि ना माननीय गृह मंत्री अमित शाह घुस सकते हैं, ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी घुस सकते हैं, जाके वो बैठ के दिखाए ना उस टॉयलेट में। तो कह रहे हैं कि मंत्री का टॉयलेट जो है कि संगमरमर होगा, बड़ा और संगमरमर से लगा हुआ क्यों है, और हमारा टॉयलेट जो है कि क्यों ऐसे फटा? अच्छा, युवाओं में, युवाओं ने, गांव वालों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सरकार हमें अगर उसी तरह चमकता हुआ टॉयलेट देगा तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। इसको आप कैसे इनकार कर सकते हैं? रोड का बात कर लीजिए, विकास आप रांची में देखिए ना, रांची में कई कैसे गली मिल जाएगा जहां पानी जमा हुआ है, जहां कचरा है, सड़कें ठीक से नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है, जब गांव वाले विरोध कर रहे थे तो मैंने उनको पूछा आप विरोध क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो भी सरकार रोड बनाती है वो हर दूसरा साल क्यों टूट जाता है, हमारा जो घर सरकार बनाती है, सरकारी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं वो टूट जाता है, लेकिन मंत्रियों के घर तो नहीं टूटते। मौलिक सवाल तो है ना। देखिए सड़क की बात आपने की तो मैं भी बीच बीच घूमता रहता हूँ, मैंने देखा कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बड़ी बड़ी संख्या में सड़कें बनी हैं,
पिछले 10-15 वर्षों में, 5 साल में या 5 साल में कुछ ज्यादा बनी होंगी, लेकिन उस पर वाहन नहीं है। ये क्या भ्रांति है, ये क्या विडंबना है? अभी एक तरफ तो हम लोग सड़क की जरूरत महसूस करते हैं, दूसरी तरफ सड़कें जो बनी है वो उपयोग में नहीं लाई जा रही है, तो सड़कें बनाने का उद्देश्य क्या है? वो सब वो अपने आप में शंका में दिखता है, पता नहीं क्यों। देखिए, मुझे दो चीज समझ में आता है। एक तो बड़ी बड़ी सड़कें वहां बना रहे हैं जहां से इनको जो भी कोयला चाहे जो आयरन और या बॉक्साइट ढोना है, अच्छा लूटना है, इसके लिए सड़कें बना रहे हैं। जहां आप कह रहे हैं कि उपयोगी नहीं है, तो वहां सड़कें इसलिए बना रहे हैं कि ठेकेदारों के द्वारा अल्टीमेटली सरकार का पैसा लूट के इनको मंत्रियों को ही आना है ना, मंत्री को आना है और ब्यूरोक्रेट्स को आना है। अब पूरा आप देखिए ना, इतना साल में मैं कभी कभी सोचता हूँ, जब रांची से सिमडेगा जाता हूँ, जब भी जाते हैं तो कभी देखेंगे सड़कें बन रही, जब सड़क बन गया दूसरा तीसरा साल आप जाएंगे तो टूटा हुआ सड़क मिलेगा। ये क्या चक्कर है भाई? आप कौन सा टाइम में आप सड़कें बनाएंगे? मैं यूरोप हर साल कम से कम 2-3 बार जाता हूँ, वहां देखता हूँ, वहां की सड़कें नहीं टूटती हैं। वहां वो बताते हैं कि हम एक बार सड़क बनाते हैं, 12वां साल में हम दोबारा बनाते हैं। तो वो बना लेते हैं, आप क्यों नहीं बनाते हैं? आप इसलिए नहीं बना पाते हैं कि आप सरकारी पैसा को लूट रहे हैं। आप बता दीजिए ना, झारखंड का कोई एक विभाग बता दीजिए जहां बिना पैसे का काम होता है। मैं याद करता हूं, जब मैं छोटा था, स्कूल में था, मैट्रिक पास करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जब बनवाया, कुछ पैसा नहीं लगा। आज चले जाइए, आपको आवासीय बनाना है, जाति सर्टिफिकेट बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, सब में पैसा लग रहा है। तो इतना छोटा चीज में पैसा लग रहा है तो और बाकी चीज में कैसे नहीं लगेगा? नहीं, ये सड़क वाली बात मैंने इसलिए भी पूछी आपसे कि आप तो बहुत घूमते रहते हैं। देखिए, सड़क बनाने का उद्देश्य ये था, हमें लगता है यह होना चाहिए कि जिस गांव में, जिस रूरल इलाके में रोजगार नहीं है, तो वहाँ कुछ रोजगार की उत्पत्ति हो और सड़क परिवहन के मार्फत बाजार तक पहुँचे। उसके लिए सरकार ने क्या योजना, सरकार की ओर से कुछ योजनाएं आप देखते हैं? कोई रोजगार के लिए कोई ऐसा आधारभूत संरचना देखते हैं, या बाजार वैसा कोई अचानक वहाँ उभरा और सड़क की जरूरत महसूस हुई? मैंने 2008 में एक आर्टिकल लिखा था, प्रभात खबर में वो आर्टिकल छपा था कि झारखंड का विकास क्यों नहीं होता है। उसमें मैंने रोड मैप देने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं। रोड मैप विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक दो मैंने ये बताया था कि एक तो झारखंड में, अगर झारखंड का हर एक ब्लॉक को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आप अगर जोड़ देंगे तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, आपका इकोनॉमी भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सरकार क्यों नहीं करना चाहते? डिबेट में सीधा आएगा, नक्सली आपको काम, हमें काम करना नहीं देते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर हैं गाड़ी का या खलासी हैं, उसका जो है कि टायर वगैरह ये फलाना चिकलाना को बेच देते हैं। भाई, जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं चला सकते हैं राज्य में, तो आप फिर विकास की क्या बात कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी 5 साल जो रघुवर दास की सरकार रही, उससे आप बिल्कुल नाखुश हैं? ये 5 साल में हमने देखा क्या है, ये पूरा 5 साल का अगर आप एक विश्लेषण करेंगे तो एक तरफ तो असहिष्णुता दिखता है, दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच में भी आप देखेंगे तो वही असंतोष, डर भय कि हमारा जमीन कभी भी सरकार छीन लेगी। तो जब तक आम जनता आप पर विश्वास नहीं करती है तो आप विकास का कोई काम नहीं कर सकते। और विकास के लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप आधारभूत संरचना को जब तक आप विकसित नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, तो चीजें नहीं होंगी। और आधारभूत संरचनाएं क्या है? एक तो सड़कें हैं जिसको गांव तक जोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन को जोड़िए, फिर जो है कि आपका बिजली है। अब इसमें भी है कि कहते हैं कि एक एक घर में हमने बिजली दे दिया, लेकिन मैं देख रहा था, इनका ही आंकड़ा है पिछला साल का, मैं देख रहा था, एक आर्टिकल भी मैंने उस पर लिखा, जब ये अडानी कंपनी जो आई ना, जिसको इन्होंने MOU किया और जमीन लेके अभी अडानी प्लांट लग रहा है गोड्डा में। अब ये गोड्डा वाला प्लांट देखिए, विकास के नाम से ला रहे हैं, जमीन झारखंड का जा रहा है, कोयला भी जो है कि झारखंड का जाएगा, आदिवासी विस्थापित होने वाले हैं आपका कोयला की वजह से, और जमीन भी गया, प्लांट में भी जमीन गया। अब इसका जो है कि पूरा बिजली किसको देंगे? बांग्लादेश को देंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? ये प्लांट एक्चुअली ये
एग्रीमेंट हुआ है बांग्लादेश की सरकार के साथ, तो ये प्लांट ये लगाना चाह रहे थे पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई, इनका छत्तीस का आंकड़ा, तो बंगाल के नजदीक क्या है, झारखंड है। अब इसमें भी इन्होंने अपना ही जो है कि ऊर्जा नीति का उल्लंघन किया। ऊर्जा नीति 2012 में बनाया है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी कंपनी यहाँ पे जो बिजली पैदा करने का प्लांट लगाएगी तो वो 25% जो है कि राज्य को देगी, 75% जो है कि वो बाहर जहां भी उनको देना है, नेशनल ग्रिड में देना है या बाहर बेचना है। लेकिन इसमें जो है अडानी प्लांट में क्या हो रहा है, ये 100% बिजली जो है कि बांग्लादेश को देंगे। तो फिर आप अपने ही नियम को, अपने ही कानून को, ऊर्जा नीति को आप तोड़ रहे हैं उन कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि अडानी कंपनी कहीं ना कहीं आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा दे रहा है, उसमें खर्च कर रहा है, और ये सब लोग जानते हैं कि पिछले बार कैसे उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तक मतलब उनको दे दिया कैंपेन के लिए, ये सब चीजें लोगों ने देखा है। लेकिन एक चीज है, आपके आपसे बातचीत करके ये तो स्पष्ट है। नहीं, ये बिजली वाला मैं कह रहा था, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कह रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है, इनका खुद ही ये आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 36 लाख घरों में बिजली नहीं, बिजली है। नहीं है तो गांव में आपने ये कह रहा है कि हमने हर गांव में बिजली पहुंचा दिया। भाई आप कहिए ना कि हर गांव में हमने तार पहुंचा दिया, बिजली कहाँ पहुंचाया, एक एक घर में बिजली पहुंचाइए। बिजली यहाँ के लिए हो नहीं रहा है और आप बांग्लादेश को देने जा रहे हैं 100% किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये विकास नहीं है। किस कंपनी को फायदा पहुंचाना, अडानी कंपनी को, तो स्पष्ट है। तो आप जो है कि विकास के नाम पर यहाँ का जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसको लूट के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि यही पूंजीपति जो है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए पैसा जो है कि देते हैं, ये इसका बड़ा कनेक्शन है। और ये जब तक ये नक्सस रहेगा ना, कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज, इनके भी जब तक नक्सस रहेगा, यहाँ के ना सिर्फ राज्य देश के लोगों को फायदा नहीं होने जा रहा, विकास नहीं हो सकता है। आपके आप तो आक्रामक रहे हैं, भाजपा सरकार और हमेशा आक्रामक रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि कांग्रेस सरकार थी और उस समय भी आप पर एक आरोप लगा था। आप उस समय इनके पी चिदम्बरम थे और यहाँ कई घटनाएं हो रही थी, नक्सल एक्टिविटीज, तो आप पर आरोप लगा था कि आप कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, आप उसकी सफाई दीजिए। देखिए, मैं ना सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस, कहने का मतलब है कि जो भी सत्ता में रहता है और जो भी एक लेखक है, बुद्धिजीवी है, चिंतक है, उनका काम है कि सत्ता में जो भी है, जो गलत कर रहा है, गलत नीतियां ला रहा है, उनका आलोचना करना, उनके बारे में लिखना, विश्लेषण करना, लोगों को बताना, ये हमारी जिम्मेवारी है। एक एक लेखक, एक एक साहित्यकार, एक एक कवि, इन सारे लोगों का जिम्मेवारी है। तो मैं एक एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक लेखक भी हूँ और लोग मुझे उस तरह से भी जानते हैं। तो लेकिन उस समय भी देखिए, भले कुछ लोग कह रहे थे, लोगों का कहना है, कह रहे थे कि वो आप कांग्रेस का एजेंट है, लेकिन उस समय में मैंने जितना केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम की पॉलिसियों पर अटैक किया, मैंने जितना लिखा और मैंने उनको पत्र भी लिखा, और मैंने पत्र लिखते हुए सजेशन दिया कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने भी क्या किया, मेरा पत्र पर कोई कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर जाके जांच बैठा दिया। हाँ, तो ये और उसी दरमियान जब कांग्रेस की सरकार इस देश में थी, उसी दरमियान मुझे जो है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे घोषित कर दिया कि ये जो है कि नक्सलियों का ओपन फ्रंट चलाता है, हमारा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन को सरंडा जंगल में डिरेल करना चाहता है, रोकना चाहता है, इसीलिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन हम जो बोल रहे थे, सवाल उठा रहे थे, अंत में साबित हो गया। मैं क्या बोल रहा था, सरंडा जंगल में ये लोग मंगल होनंगा नाम का व्यक्ति को गोली मार दिया था, और ये लोग बता रहे थे कि ये नक्सली है। मैं बोल रहा था वो निर्दोष है। अंत में जांच हुई, मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक टीम लेकर वहां पे गया, वहां पे जांच कराया, जांच हुई, अंत में साबित हो गया, इनको मानना पड़ा कि हमने निर्दोष आदमी को गोली मारा। तो गलत मैं था कि वो थे? आप गलत हैं तो सवाल हम उठाएंगे, लेकिन मैं उसे डरता नहीं हूं, मैं घबराता नहीं हूं।